बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी ब्यूटी सीक्रेट्स, जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डीआईवाईज की। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी डीआईवाई क्रीम लाई हूं जिसे आप अपने हैंड्स पे यूज़ करेंगे तो आपके हैंड्स से रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हैंड्स बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में हैंड्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और अगर हम अपने हैंड्स की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए हमने देखते हैं कि हमने ये क्रीम कैसे बनाई है। सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बाउल और इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो है ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन जो मल्टी फंक्शनल एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपकी स्किन से रिंकल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, इससे कौन वाकिफ नहीं होगा। स्किन से रिलेटेड इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। स्किन को जल्दी से हील करती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, ये स्किन को मॉइस्चराइज करती है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैंने ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल का जो है एक एक चम्मच यूज़ किया है। तीसरे नंबर पे मैंने विटामिन ई का एक कैप्सूल हेड किया है, आपके हैंड्स से ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। फिर हमने हेड किया है एक चम्मच कोकोनट ऑयल, ये आपकी स्किन की बैरियर लेयर को प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्किन को सपल और हाइड्रेट बनाती है। कोकोनट ऑयल हेयर और हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ये आपकी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है। तो ये भी हम सेम क्वांटिटी लेंगे, एक चम्मच के बराबर मैंने इसमें कोकोनट ऑयल हेड किया है। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रीम ना बन जाए। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ये क्रीम की तरह बन जाती है, एक सॉफ्ट सी, स्मूथ सी बिल्कुल क्रीम बन जाएगी। आप इसे यूज़ करें। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक करें आने वाली वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और अपना फीडबैक वापस आके मेरे साथ शेयर करें। ये आपके इस हैंड्स को बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट बना देगी। जितने भी हार्डतरीन हाथ होंगे ना, हम उन पे भी यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस क्रीम की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप इसे टीनेजर्स को, बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं और इसे आप बॉडी के किसी भी हिस्से पर यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी जो क्रैक हील्स हैं उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं और ड्राई फील होते हैं तो आप अपने हैंड्स पे यूज़ कर सकते हैं। इवन आप पूरे बॉडी पे अपने यूज़ कर सकते हैं सिवाय अपने फेस के। तो इस क्रीम को यूज़ करने से पहले आप अगर ये इंग्रेडिएंट भी साथ में यूज़ कर लें तो आपके हैंड्स बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। जी हाँ, आपने लेना है देसी घी। इसके कमाल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके हैंड्स को बेबी सॉफ्ट बनाने में। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है, ये आपकी स्किन की थिन लेयर को ख़त्म कर देती है, ड्राई स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन हेजिंग को स्लो डाउन करती है। आपने क्या करना है, आपने वीक में दो बार अपने हैंड्स को और फीट को इस ऑयल से मसाज देनी है। ये ऑयल आपके हैंड्स को इतना सॉफ्ट कर देगा, या आप यकीन माने आपको अपने हैंड्स से प्यार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपके इसके विजिबल जो है रिजल्ट्स इंशाल्लाह नज़र आएंगे। आपने इसे अपने हाथों पे मसाज देनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर आप इसे किसी भी हैंड वॉश या सोप के साथ वॉश कर लें। अगर आप इसकी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे सिर्फ नीम गर्म पानी से भी वॉश कर सकते हैं। आप यकीन माने जितने भी अर्ड हाथ होंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। तो ये क्रीम हमने बना ली है, अब इसे हम किसी भी क्रीम के खाली कंटेनर में डाल देंगे और इसे स्टोर कर लेंगे। मैंने एक वीक के लिए बनाई है, आप इसे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, आप इसे
किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम में, नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है और ये आपके एंड्स को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगी। आप अपने पूरे बॉडी पे इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रैक्ड ईल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बर्तन धो के अपने हैंड्स को सोप के साथ वॉश करते हैं तो ड्राइनेस फील होती है, तब आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके हाथों से रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप इसे मॉइस्चराइजिंग लोशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल।